स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास इलेवेंथ के लिए बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर वन नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस पहले हम इंट्रोडक्शन का सेक्शन देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में कह रहा है कि एवरी ह्यूमन बींग परफॉर्म सम और अदर एक्टिविटीज टू सेटिसफाई देयर नीड्स टू अर्न देयर लाइवलीहुड एंड टू गेट द साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज हर व्यक्ति जो भी है अलग अलग तरीके की कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करता है कुछ एक्टिविटीज़ को हम अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ को हम अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करते हैं और हम ये एक्टिविटीज़ जो कर जि, जिस भी तरीके की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ये एक्टिविटीज़ हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहलाती हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एक हो सकती है इकोनॉमिक एक्टिविटी दूसरी हो सकती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी की डेफिनेशन दी हुई है आर परफॉर्म्ड बाई पीपल विद एम टू अर्न मनी जो भी एक्टिविटीज़ पैसा कमाने के लिए हम करते हैं अपना लाइवलीहुड अर्न करने के लिए करते हैं उन्हें कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे प्रोडक्शन हो सकता है एक्सचेंज हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो सकता है जैसे कि किसी का ऑफिस जाना ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है किसी का टीचर की तरह स्कूल में कोचिंग में कॉलेज में पढ़ाना ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है डॉक्टर लॉयर आर्किटेक्ट ये सभी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो सारी एक्टिविटीज जो एक इंडिविजुअल परफॉर्म करता है विद द मोटिव ऑफ गेटिंग साइकोलॉजिकल सैटिस्फैक्शन उसे कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे हमारा मंदिर जाना पूजा करना सोशल सर्विस करना प्रोडक्शन ऑफ फॉर सेल्फ कंजप्शन घर पे हमारी मम्मी का हमारे लिए खाना बनाना हमारा अपने दोस्तों के साथ खेलना ये सारा कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है तो ये हो गया कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या है एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ के टाइप क्या हैं तो दो टाइप है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपसे पूछा जा सकता है थ्री मार्क्स के अंदर में डिफाइन ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड एक्सप्लेन इट्स टाइप्स या एक्सप्लेन इट काइंड्स तो ये हो गए इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि क्या होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज दो हो गई इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक अब इकोनॉमिक के अगर टाइप्स पूछेंगे तो इकोनॉमिक्स के तीन टाइप है यहां पे जो आपको सिलेबस में पढ़ना है सबसे पहले बिजनेस फिर प्रोफेशन एंड देन एम्प्लॉयमेंट तो बिजनेस क्या होता है चलिए देखते हैं रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटी बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कनेक्टेड है जहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है परचेज सेल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज का और बिजनेस परफॉर्म करने का हर बिजनेसमैन का एम होता है कि वो अर्न करे क्या प्रॉफिट अर्न करे जैसे कि शॉपकीपर है फार्मिंग है मैन्युफैक्चरिंग है ये सभी लोग बिजनेस कर रहे हैं विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट ताकि वो अपने लाइवलीहुड को अर्न कर पाए ताकि वो सर्वाइव कर पाए नेक्स्ट है प्रोफेशन ये प्रोफेशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके लिए आपको चाहिए स्पेशल नॉलेज स्किल्स चाहिए जिसको एक व्यक्ति अप्लाई करता है एक इंडिविजुअल अप्लाई करता है अपने वर्क के दौरान और उस काम को करके वो भी अपना लाइवलीहुड अर्न करता है जैसे कि लॉयर डॉक्टर टीचर इन सब चीज़ों को अगर हम अपना प्रोफेशन बना रहे हैं तो उसके लिए आपको उसके बारे में पूरी स्पेशल नॉलेज और स्किल्स चाहिए होंगी थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो है एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट भी एक एक एक्टिविटी है और कैसी एक्टिविटी है इकोनॉमिक एक्टिविटी है याद रखिएगा इन विच इंडिविजुअल जो है वो वर्क करता है रेगुलरली फॉर अनदर पर्सन एंड गेट्स रेमुनरेशन इन रिटर्न और बदले में उसे तनख्वाह मिलती है दोज हु आर एम्प्लॉयड बाई अनदर आर कॉल्ड एम्प्लॉयज एंड दोज हु आर इंगेजिंग अदर्स टू वर्क रेगुलरली फॉर देम उन्हें कहते हैं इम्प्लॉयस तो यहाँ पे जो भी व्यक्ति आपके लिए ये आप करेक्शन है यहाँ पे इसको करेक्ट कर लीजिएगा एम्प्लॉयर तो जो व्यक्ति काम करवा रहा है वो एम्प्लॉयर है एंड जो व्यक्ति काम कर रहा है किसी और के लिए वो है एम्प्लॉय रेमोनरेशन क्या है रेमोनरेशन पेड इज कॉल्ड सैलरी या वेजेस और बदले में एग्जाम्पल में दिया हुआ है वर्क इन ऑफिस बैंक शॉप कंपनी या आप मैनेजर के तरीके से कहीं काम कर रहे हैं या क्लर्क के तरह या स्टाफ हैं कहीं पर या सेल्स मैन हैं तो इन सभी को मिलती है उनकी सैलरी या फिर वेजेस नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्टिंगश बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट तो बिजनेस कब स्टार्ट होता है विद द डिसीजन ऑफ़ एंटरप्रेन्योर जब भी कोई एंटरप्रेन्योर किसी बिजनेस को शुरू करना चाहे वो कर सकता है प्रोफेशन ऑन कंप्लीटिंग ऑफ डिग्री ऑफ कोर्स एंड बाय गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस प्रोफेशन को आप जब मर्जी शुरू नहीं कर सकते हैं आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए आपके पास प्रैक्टिस का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए तभी आप प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हैं जबकि एम्प्लॉयमेंट में जब आप एक ड्यूटी ज्वाइन करते हैं और आपको सर्विस एग्रीमेंट हो जाता है एम्प्लॉयर के साथ तभी आप ज्वाइन कर सकते हैं बिजनेस के लिए मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्वालिफिकेशन की जबकि प्रोफेशन के लिए प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है ट्रेनिंग होनी चाहिए जबकि इम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ जॉब नेक्स्ट और भी डिस्टिंगश है बिजनेस के नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट बिजनेस में जो है वो डिपेंड करती है ऑन द स्केल ऑफ बिजनेस आप किस स्केल पे बिज़नेस कर रहे हैं आप बहुत बड़े स्केल पे बिज़नेस करेंगे तो आपको पैसे ज़्यादा चाहिए होंगे छोटे लेवल पे करेंगे छोटे स्केल पे करेंगे तो इन्वेस्टमेंट कम लगेगी जबकि प्रोफेशन के लिए कहता है कि लिमिटेड कैपिटल रिक्वायर्ड यहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं है और अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो नो कैपिटल रिक्वायर्ड एज एज सच कोई कैपिटल रिक्वायरमेंट एम्प्लॉयमेंट के दौरान नहीं पड़ती रिस्क की अगर बात करें तो बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क है सबसे ज़्यादा अनसर्टेनिटी है वही अगर प्रोफेशन में बात करें तो थोड़ा कम रिस्क है और एम्प्लॉयमेंट में बात करें तो कोई भी रिस्क नहीं होता नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रांसफ़र ऑफ़ इंटरेस्ट की या ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल की तो ये बिज़नेस में पॉसिबल है एक बिजनेसमैन चाहे तो वो अपने बेटे को अपना बिज़नेस अपने बेटी को अपना बिज़नेस सौंप सकता है जबकि प्रोफेशन में ये पॉसिबल नहीं है डॉक्टर चाहे तो अपने बेटे को दूसरे दिन डॉक्टर नहीं बना सकता जब तक उसका बेटा या उसकी बेटी उस एजुकेशन को पूरा नहीं कर लेगा और उस सर्टिफिकेट को अटेन नहीं कर लेगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है और जनरली अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में भी ये पॉसिबल नहीं है बिजनेस का एम होता है टू अर्न प्रॉफिट जबकि आपको याद रखना है प्रोफेशन का एम है सर्विस प्रोवाइड करना एंड एम्प्लॉयमेंट का एम है अर्न करना इनकम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस या फिर सैलरी बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता जबकि प्रोफेशन जो है एक प्रिस्क्राइबड प्रोफेशनल एसोसिएशन द्वारा बनाया हुआ कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट में टर्म्स एंड कंडीशन जो भी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में है जो हमारा एम्प्लॉयर हमारे लिए सेट करता है हम उसके हिसाब से ही काम करते हैं बिजनेस में नेचर ऑफ वर्क जो है वो प्रोडक्शन परचेज़ एंड सेल का होता है प्रोफेशन में अगर हम बात करें तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो परफॉर्म करते हैं वर्क एज़ पर द एम्प्लॉयर जैसा एम्प्लॉयर कहता है एम्प्लॉयज़ को उस हिसाब से काम करना पड़ता है एंड लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डिफरेंस है बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट वो प्रॉफिट मिलता है प्रोफेशन में आपको मिलती है फीस जैसे डॉक्टर को लॉयर को टीचर को फीस मिलती है एंड अब अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट में आपको मिलता है सैलरी एंड वेजेस सैलरी और वेजेस तो ये था डिस्टिंग बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन अनएम्प्लॉयमेंट और याद रखिएगा बिजनेस प्रोफेशन और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ये बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना बस आप इतना जानते रहिए कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं जैसे रिलीजन जैसे पेरेंटल जैसे सोशल ये सब कुछ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाता है जैसे पेट्रियाटिक भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है नेक्स्ट है हमारा डिस्टिंगश बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थ्री मार्क्स के लिए क्लास एलेवंथ के लिए कि क्या है डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक तो देखिए बेटा इकोनॉमिक जो है वो आप पैसा कमाने के लिए करते हैं अर्न मनी करने के लिए करते हैं जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आपका पूजा करना आपका अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना आपका अपने घर वालों के लिए कुकिंग करना ये सब कुछ हम सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक जो है हम हमेशा कुछ भी बिज़नेस या प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो मनी इनकम को बदले में एक्सपेक्ट करते हैं जबकि नॉन इकोनॉमिक में मनी इनकम एक्सपेक्टेड नहीं होती इन रिटर्न नेक्स्ट है इकोनॉमिक का पर्पस होता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकें जबकि नॉन इकोनॉमिक हमें अच्छा लगता है इसलिए हम वो करते हैं इसीलिए इसमें साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है हमारे मन को शांति मिलती है हमें उस काम को करने से बहुत शायद अच्छी फीलिंग आती है इस वजह से हम उसे करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो अभी मैंने आपको कहा मन को अच्छा लगता है आप वो पसंद करते हैं काम तो इस वजह से कह रहा है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो हम इसलिए परफॉर्म करते हैं क्योंकि हमें उससे मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है लास्ट एग्जाम्पल है इकोनॉमिक में आप जो भी आपने ऊपर पीछे पढ़ा बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट इसमें से कुछ भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जबकि नॉन इकोनॉमिक रिलीजियस वर्क पेट्रियोटम या फिर सोशल सर्विस कुछ भी इसमें से आप नॉन इकोनॉमिक के एग्जाम्पल के लिए यूज कर सकते हैं इस वीडियो को सिर्फ यहीं तक रखते हैं चैप्टर अभी बाकी है बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर में कंटिन्यू वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ और इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा बाय बाय एंड टेक केयर